गर्मियों में ठंडा ठंडा टेस्टी रायता हमें मिल जाए ना खाने के साथ, तो मजा ही आ जाता है। क्योंकि दही खाने से हमारे अंदर एक फ्रेशनेस सी रहती है और हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन 6, विटामिन 12 बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और इसमें एक हेल्दी बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैंने सोचा आप एक ही तरीके का दही खा के बोर हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए अलग अलग तरीके का रायता की रेसिपी लेके आई हूँ। तो रायता शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं भोजन शैली। रायता बनाने के लिए मैंने एक बोल घर का ये दही लिया है, जिसको कि मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप ये रायता व्रत में बना रहे हो तो प्याज स्किप कर सकते हैं, और आधा टमाटर मैंने इसमें बारीक काट के डाला, पर ध्यान रखिएगा कि इसके बीज हमें अलग कर लेने हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स किया और इसमें डाला एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इस रायते में बहुत फ्रेशनेस आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको किया मिक्स, और अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा सफ़ेद नमक, थोड़ा सा काला नमक, एक चुटकी लाल मिर्च और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स किया और अब हम इसको डाल रहे हैं बोल में। तो ये लीजिए हमारा बिल्कुल दो ही मिनटों में बनने वाला मिक्स वेज रायता बनके बिल्कुल रेडी है। और अब मैंने इसको किया कटे हुए टमाटर और हरा धनिया से गार्निश। तो ये आसान सा रायता आप बनाइएगा जरूर। तो दूसरे रायते की तैयारी करते हैं। बीटरूट रायता बनाने के लिए एक बोल मैंने फिटा हुआ दही लिया, और ये एक छोटा पीस मैंने लिया बीटरूट का, इसको कि मैं बारीक वाले कद्दूकस से कस रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको उबाल के पीस के इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बीटरूट इसमें डालते ही दही में कितना बढ़िया कलर आ गया है। इसको किया अच्छे से मिक्स। अब इसमें डाला थोड़ा सा सफेद नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और अब हम करते हैं इसके तड़के की तैयारी। तो इसके लिए मैंने पैन में एक टेबलस्पून तेल लिया, और तेल गर्म होते ही उसमें ऐड किया 1/2 टीस्पून के बराबर जीरा, 1/2 टीस्पून के बराबर राई, 1 चुटकी हींग, 8 से 10 करी पत्ता, और ये 4-5 साबुत लाल मिर्चें हैं जिनको कि मैं तोड़ करके डाल रही हूँ। और जैसे ये सब चीज़ें फ्राई हो जाएं, इस तड़के को हमने कटोरी में निकाल लेना है। अब 1 टीस्पून के बराबर तड़का मैंने डाला इस चुकंदर के रायते में, और उसे अच्छे से मिक्स करके अब इस बोल में निकाल रही हूँ। तो देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ये हमारा रायता, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, और बनाने में तो अब आपको पता ही चल गया होगा ये कितना आसान है। और लास्ट में तड़के वाली मिर्च से हमने इसे किया गार्निश। तो बिल्कुल रेडी है हमारा ये बीटरूट रायता। इस रायते के लिए भी हमने एक बोल फिटा हुआ दही लिया, और उसमें ऐड किया 2 बारीक कटे हुए भुने हुए लहसुन, 1 टेबलस्पून के बराबर ये भुना हुआ प्याज, अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा सा सफेद नमक डाला, थोड़ा सा ही काला नमक, और 1 चुटकी के बराबर लाल मिर्च, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। इन सभी चीजों को मिला के हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। आप जब भी ये रायता बनाएं तो 10 मिनट पहले रेडी करके रख लें। उससे क्या होगा कि लहसुन का फ्लेवर जो है वो दही में बहुत अच्छे से आ जाएगा।
ये जो हमारा बुरहानी रायता है ना, जब घर में कोई अच्छी सब्जी ना बनी हो तो आप ये रायता बनाएं। यकीन माने, ये इस रायते से ही आप कम से कम 2 रोटी एक्स्ट्रा खा जाएंगे। तो लीजिए, ये बाउल में हमने डाल दिया और ऊपर से थोड़े हुए भुने हुए प्याज से हमने करा इसको गार्निश। तो ये हमारा बुरहानी रायता बन करके बिल्कुल रेडी है। मिक्स फ्रूट रायता बनाने के लिए 1 बोल दही में 1 चम्मच भर के मैंने पिसी हुई चीनी डाली, क्योंकि मिक्स फ्रूट रायता ना थोड़ा मीठा ही होता है। 1 चुटकी काला नमक, 1 चुटकी सफेद नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और 1 चुटकी लाल मिर्च। अगर आप लाल मिर्च ना खाते हो तो आप काले मिर्च डाल सकते हैं या दोनों ही स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स किया जिससे कि चीनी घुल जाए। अब इसमें ऐड किए बारीक कटे हुए अंगूर, बारीक कटा हुआ सेब, थोड़ा सा केला बारीक कटा हुआ। ध्यान रखिएगा, जब आप केला डालें तो आप इसमें 4-5 बूंदे नींबू की जरूर डाल दें। ऐसा करने से केला काला नहीं पड़ता है। और अनार के दाने मिक्स किए मैंने इसमें। इसमें आप जो भी फ्रूट्स ऐड करें वो आपकी चॉइस के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा या चेंज कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको निकाल लिया बोल में और इसको गर्क कर रही हूँ मैं अनार के दाने से गार्निश। और छोटा सा पुदीना लगाया मैंने इसमें, थोड़ा सा बिल्कुल। तो लीजिए, हमारा मिक्स फ्रूट रायता बिल्कुल टेस्टी वाला इतनी जल्दी बन करके तैयार है। आप ये बनाएंगे ना तो आपके बच्चे रोज आपसे इसको मांग के खाएंगे। आप इसमें कोई भी सीजनल फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको बच्चों को पसंद आता हो। ये हम बना रहे हैं खीरे का रायता। इसके लिए मैंने 1 बोल ये फिटा हुआ दही लिया और ये हाफ खीरे को अच्छी तरीके से धो लिया, पर इसका छिलका हमने नहीं उतारना है। अब इसको हम बारीक वाले कद्दूकस से छिलके के साथ ही कद्दूकस कर लेंगे। और ये थोड़े से बिल्कुल फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं, तो इनको हम हाथ से ऐसे बारीक बारीक तोड़ लेंगे। ऐसा करने से जो है पुदीने का फ्लेवर इस दही में बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डाला थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफेद नमक, 1 चुटकी भुना हुआ जीरा, 1 चुटकी लाल मिर्च और इन सभी चीजों को किया अच्छे से मिक्स। तो देखिए, हमारा सिर्फ 1 ही मिनट में ये खीरे का और पुदीने का एकदम फ्रेश फ्रेश सा रायता बन करके रेडी है। अब हमने इसे डाला बोल में और पुदीना पत्ती से इसे किया गार्निश। तो लीजिए, हमारा रायता बिल्कुल बन करके तैयार है। आलू का रायता बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हमने 1/2 चम्मच के बराबर तेल डाला और तेल जैसे ही गर्म हुआ हमने इसमें ऐड किया 1/4 चम्मच के बराबर जीरा। जीरा ब्राउन होते ही 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और इसमें 2 ये उबले हुए आलू हैं जिनको कि मैंने बारीक काट लिया है, ये डाल दिए। और इन आलूओं को हमको 2 से 3 मिनट तक के लिए ऐसे भून लेना है जिससे कि ये मसाला जो है इन आलूओं के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। आलू फ्राई हो गए हैं और अब हम इसको एक बोल में निकाल के थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये मैंने 1 बोल के बराबर दही लिया है और जो आलू हमने फ्राई किए थे ठंडे हो गए हैं, तो अब मैं इसको दही में डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि गरम गरम आलू आप दही में ना डालें। ये वाला रायता आप व्रत में या कभी भी जब आपकी सब्जी कोई भी घर में अच्छी ना बनी हो तो आप वो बनाएं और यकीन जाने इस अकेले इस रायते से ही आप आराम से पूरा खाना खा लेंगे। अब इसमें ऐड किया मैंने थोड़ा सा सफ़ेद नमक, 1 चुटकी भुना हुआ जीरा, 1 चुटकी काला नमक। इसमें नमक हम देख के ही डालेंगे क्योंकि हम आलू में भी नमक डाल चुके हैं और मिर्च मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आलू फ्राई करते समय हम मिर्च डाल चुके थे। और ये बारीक कटे हुए पुदीना के फ्रेश पत्ते, पुदीना पत्ता डाल करके इस रायते में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जो पुदीना है ना वो गर्मी में हमारे पेट में ठंडक भी देता है, इसलिए किसी भी तरीके से हमको पुदीना और दही जरूर खाना चाहिए। इसको किया अच्छे से मिक्स और एक बोल में निकाल लिया, ऊपर से थोड़ा सा पुदीना डाला और भुने हुए जीरे से हमने इसको किया गार्निश। तो भाई, हमारा आलू का एकदम टेस्टी सा रायता बन करके तैयार है।
हमारे सारे रायते बन करके तैयार हैं। सबसे पहले हमने बनाया मिक्स वेज रायता, उसके बाद ये बीट रूट रायता, फिर ये बुरहानी रायता, मिक्स फ्रूट रायता, खीरे का रायता और ये आ गया भाई आलू का रायता। तो देखिए मैंने आपको कितने ढेर सारे रायते की रेसिपी बताई है, तो रोज़ आप इन रायतों को बनाएं और अपने डेली रूटीन के खाने में इनको शामिल करें। तो ये स्वाद और सेहत से भरपूर रायते की रेसिपी अगर आपको बना के पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक गुड बाय।